देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी हुंडई जल्दी ही भारत में अपनी बेहद पॉपुलर हैचबैक कार हुंडई i20 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को पेश करने वाली है। इस नए मॉडल का डेब्यू कंपनी मार्च में होने वाले जेनेवा मोटर शो में करेगी। बता दें कि कंपनी ने हाल ही में नई i20 के टीजर इमेज को सोशल मीडिया पर जारी किया था और खास बात ये है कि इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया गया है। और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नई i20 कार के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल रियल ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस कभी मिस ना करें। बात करें इंजन की तो नए ह्युंडई i20 में 1 लीटर की कैपेसिटी वाला टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो कि 120 पीएस की अधिकतम पावर जनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जानकारों के मुताबिक ह्युंडई इस नई i20 कार में 48V माइल्ड हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जो कि कार की एवरेज को 3-4% तक बढ़ा देती है। बात करें एक्सटीरियर की तो नए हुंडई i20 को हुंडई ने अपने लेटेस्ट डिजाइन सेंसुअस स्पॉटीनेस की तर्ज पर बनाया है और इसमें नए डिजाइन वाले फ्रंट और रियर बम्पर का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं कार की लेंथ और विड्थ में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। अन्य एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो i20 के इस नए मॉडल में इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ नए LED हेडलैम्प्स, नए कनेक्टेड टेल लैम्प्स और नए 17 इंच के अलॉय व्हील्स जैसे कई प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स दिए जा सकते हैं जो कि इस कार को बेहद स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक देंगे। बात की जाए इंटीरियर की तो नए ह्युंडई i20 के इंटीरियर के बारे में कंपनी ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि इसके नए ग्लोबल मॉडल में ब्लैक ग्रे और ब्लैक येलो और साथ ही ग्रीन ट्रिम्स के ऑप्शंस के साथ एक ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। वहीं इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की अगर बात करें तो नई i20 में ब्लू लिंक कनेक्टेड कार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने इस तकनीक से क्लाउड बेस्ड वॉइस रिकॉग्निशन, व्हीकल टेलीमैटिक्स, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट कंट्रोल से कैबिन प्री कूल जैसी जानकारियों को जोड़ा है। वहीं सेफ्टी फीचर्स के मामले में इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग के साथ आउटगोइंग एलीट i20 के समान शानदार सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। बता दें कि इस बार के जेनेवा मोटर शो में कंपनी इस थर्ड जनरेशन i20 को पेश करने वाली है। अब देखना ये है कि इस नए मॉडल को कंपनी भारत में इन्हीं फीचर्स के साथ लॉन्च करेगी या फिर कुछ बदलाव करेगी। फाइनली अब कीमत की बात की जाए तो 2020 हुंडई i20 की कीमत करीब 3.1 लाख रुपीज से 5.5 लाख रुपीज के बीच होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है और कंपनी इसे इसी साल के अंत तक भारत में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, आपको ये नई i20 कैसी लगी और आपको हुंडई की कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।